नमस्कार दोस्तों, मैं शुभश्री। दोस्तों, आपने तो जानते होंगे कि भारत को बहुत सारे महाराजा और राजा अपने पराक्रम के द्वारा भारत को समृद्धशाली सोने की चिड़िया जैसे कहने वाली भारत बनाए हैं। तो आज हम भारत के महिलाएं और रानियां के बारे में जानते हैं, जो कि अपने पराक्रम के द्वारा खुद को परिचित और देश को प्रसिद्ध और समृद्ध बनाए हैं। आज आपको ओडिशा के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठावान शासिकाओं के बारे में बताऊंगी। 7th से 9th सेंचुरी के बीच ओडिशा को भौमकर वंश शासन किए थे। भौमकर वंश ही पहले सारे बहुत सारे रानियों ने शासन कार्य सफलता के सहकार तुलाए हैं। मुख्यतः 6 रानियां ही ओडिशा को दृढ़ता से शासन किए हैं। यह समाज में महिलाओं के स्थिति को दर्शाता है। उस समय ओडिशा की समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। एक पुरुष शासक के तरह वो भी सारे अधिकार प्राप्त करते थे। उस महारानियों के बारे में आइए जानते हैं। त्रिभुवन महादेवी भौमकर वंश के प्रथम रानी थे, जो कि अपने पति और पुत्र के निधन के बाद राज्य का शासन भार अपने हाथ में लिए थे। वो एक शक्तिशाली शासिका थे। अपने राज्य के शत्रुओं को अपने महान पराक्रम के द्वारा पराजित किए थे। उनके सेना के परिणाम 30,000 था। वो इस शक्तिशाली सेना और अपने पराक्रम के द्वारा अपने राज्य को सुरक्षित रखते थे। उसके बाद द्वितीय त्रिभुवन महादेवी भी एक उत्तम शासिका थी। वो अपनी बुद्धिमत्ता से अपने राज्य के अर्थनीति को समृद्ध किए थे। वो मंदिर की प्रतिष्ठा भी किए थे। मंदिर सिर्फ पूजा की नहीं, वाणिज्य और प्रतिभा के केंद्र स्थली था। उसके बाद गौरी महादेवी भी एक उत्तम शासिका थे। अपने स्वल्प समय शासन काल में वो राज्य को नियम और शांति के द्वारा समृद्ध किए थे। उसके बाद दांडी महादेवी, वो भी एक शक्तिशाली शासिका थे। अपने शत्रुओं को पराजित करके एक समृद्धशाली राज्य को प्रतिष्ठा करने में सफल हुए हैं। बहुत सारे मूल्यवान पत्थर और धातुओं से वो अपने राज्य को समृद्ध किए थे। बकुल महादेवी उसके बाद शासन किए थे। उनके शासन बहुत कम समय के लिए था। उसके बाद धर्म महादेवी इस वंश के अंतिम महिला शासिका थे। शिक्षा उस समय सबके लिए साधारण था। राजनीति, शासन, युद्ध कला सारी शिक्षा प्रदान किया जाता था। शिक्षा के लिए कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए इस समय ओडिशा में महिलाओं को शासन भार दिया जाता था। उस समय बौद्ध धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, वैष्णव सारे धर्म को समृद्ध और सम्मान दिया जाता था। शासिकाओं परम वैष्णवी परमेश्वरी उपाधि धारण किए थे। यह था ओडिशा के भौमकर वंश के शक्तिशाली शासिकाओं के बारे में जानकारी। यह उस समय महिला के उच्च स्थिति, उनके समाज में उच्च स्थिति के द्वारा कैसे वो शासन किए थे, इसके बारे में दर्शाता है। धन्यवाद।